बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की मुफीद मालूमात में सब्ज़ धनिया के फवायद। नंबर एक, गोश्त को महफूज करने के लिए भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, धनिया फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल LDH की सतह में इजाफा जबकि नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाता है। नंबर तीन, अच्छी नींद लाने के लिए धनिया का इस्तेमाल मुफीद है। नंबर चार, इसमें मौजूद अज्जा खून की शरियानों से मुतलक अमराज जैसे हार्ट अटैक, फालज और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक धनिया के पत्ते जिस्म की सोजश को कम करने के जरिया है। नंबर छः, सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल हड्डियों के अमराज के लिए फायदेमंद है। नंबर सात, डिप्रेशन बेचैनी को ख़त्म करना और फरहत लाता है। नंबर आठ, धनिया का इस्तेमाल सांस की नालियों से बलगमी मवाद खारिज करता है और पेशाब में इजाफा करता है। नंबर नौ, इसका तेल दिमाग की गर्मी के लिए मुफीद है। नीज इसका तेल तबीयत को हशाश बशाश रखता है। नंबर 10, धनिया चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 11, सर दर्द, शुगर, मैदा और दिल की धड़कन के लिए मुफीद है। नंबर 12, धनिया का रस पीने से इंशाअल्लाह कह यानी उल्टी में आराम आ जाएगा। नंबर 13, सब्ज़ धनिया का पानी आँख में टपकाने से चीचक का आबला आँख में नहीं पड़ता। नंबर 14, मुंह के छालों पर लगाने से छाले खत्म हो जाते हैं। नंबर 15, धनिया दिलो दिमाग को ताकत देता और ठंडक पहुंचाता है। नंबर 16, धनिया की चटनी और उसकी पत्तियां इस्तेमाल करने से भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। जिन मरीजों को भूख नहीं लगती इनके लिए ये फायदेमंद है। नंबर 17, धनिया शुगर के लिए मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक धनिया का अरक में ऐसे मरकबात हैं जो खून में शामिल होकर इंसुलिन में इजाफा और शुगर की सतह कम करते हैं। नंबर 18, एक मर्ज जिससे गले में गिल्टियां हो जाती हैं, इसके लिए धनिया के ताज़ा पत्ते रोगने गुल के साथ लगाना मुफीद है। मोहतरम प्यारे नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।